हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वीट मालविया, दिस इज गिव टू नो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जब एडी कोड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हम कैसे तरह प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारा हम चेक देखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले हमें क्लास की डिटेल्स नीचे की रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है, एक ऑनलाइन होता है, एक मैनुअल होता है। कुछ पोर्ट्स पे मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी अभी भी चालू है, लेकिन मैक्सिमम ऑल इंडिया पोर्ट्स पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाता है। सबसे पहले आपको क्लास थ्री डीएससी की रिक्वायरमेंट है, जो कि साइनिंग होती है, जिसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। कई लोग बोलते हैं कि आपको कॉम्बो चाहिए, लेकिन आपको कॉम्बो की जरूरत नहीं है, आपको साइनिंग से ही आपका काम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको जब डीएससी रेडी होता है तो आपको उसको आपको आई जी गेट का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगता है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए बाय प्रोपराइटर या पार्टनर। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा, जो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये इसके बाद ऑथराइजेशन लेटर लगता है, ये बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप के केस में ही एप्लीकेबल होता है। और यदि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे नंबर 7000110950 पर भी कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको आइस गेट के लिए डिटेल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें 7000110950 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, LLP, ROC की फाइलिंग, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल सिग्नेचर, GST का रिटर्न एंड रिफंड, IOC सर्टिफिकेशन, ISGATE रजिस्ट्रेशन, AD कोड, IC कोड अपडेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपेडा, जितनी भी टाइप की RCMC होती है वो, ट्रेडमार्क और फ्री सेल सर्टिफिकेट और एक्सेट्रा, से बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। इसके लिए आप हमारे नंबर 7000110950 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ही सभी के पास अवेलेबल होता है, आधार कार्ड भी सभी के पास अवेलेबल होता है। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूंगा कि आपको ऑथराइजेशन का कैसा फॉर्मेट बनाना है। ये ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट है, ये आपके कंपनी के लेटर हेड पर होना चाहिए, फर्म के लेटर हेड पे, या तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आएगा अथॉरिटी लेटर फॉर आइसगेट रजिस्ट्रेशन, डियर सर विद द रेफरेंस ऑफ द अबो सब्जेक्ट टू ऑथराइज अवर कंपनी डायरेक्टर, डायरेक्टर या फिर पार्टनर मिस्टर एबीसी टू रजिस्टर, मॉडिफाई, एड, डिलीट ऑल द क्रेडेंशियल ऑफ द आइसगेट एंड पोर्टल ऑन कस्टम, ठीक है। बिहाफ ऑफ द बोर्ड आ जाएगा या बिहाफ ऑफ द कंपनी या फर्म आ जाएगा, यहाँ पर कंपनी का नाम या पार्टनरशिप का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पार्टनर का नाम या डायरेक्टर का नाम आ जाएगा, दोनों के नाम लग के सील लग जाएगी, यहाँ पर सील दोनों जगह लगाना है और लेटर हेड पे लेना है, बस आपको इतना फॉर्मेट चाहिए ऑथराइजेशन लेटर के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे एडी कोड में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये हम पहले प्रोप्राइटरशिप के केस में देख रहे हैं। सबसे पहले हमको बैंक एडिक्वेट लेटर चाहिए, जो कि बैंक के लेटर हेड पर होगा। तो बैंक एडिक्वेट लेटर क्या होता है, ये देखिए, ये नवासी का पोर्ट के लिए इशू किया गया है कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, मुंबई, महाराष्ट्र से। जब आपको किसी भी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन्हें 2020 में इशू किया था, पब्लिक नोटिस 93/2020। इसमें बताया गया कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक ऑथराइजेशन लेटर अनऑक्शन एक अकॉर्डिंग लगेगा, IC लगेगा, GST, कंपनी का पेन कार्ड यदि पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, ठीक है। यदि प्रोप्राइटरशिप है तो ऑथराइज सिग्नेटर का पेन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक लगेगा। यदि आप मॉडिफाई चेंज कर रहे हैं IFSC कोड को ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड के लिए, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तो लगेगी, आपको एक ओल्ड बैंक से एक NOC भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब लेने के बाद जो आप लेटर बनवाओगे उसको आपको EDI कस्टम एट द जवाहर पे मेल भी करना है, ठीक है। बैंक अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल करेगा। अब हम फॉर्मेट चेक कर लेते हैं, ये फॉर्मेट है, ये मुंबई नवासी वक्त फॉर्मेट है, रेफरेंस टू पब्लिक नोटिस नंबर इतना इतना इतना, ये आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा IT सर्टिफाइड डेट, या फर्म का नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा, उसका करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, जो करेंट है क्रेडिट अकाउंट है वो जाएगा, सेविंग अकाउंट नहीं आता, कब से ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर IC आ जाएगा, फिर यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर, AD कोड, IFSC, ऑथराइज्ड सिक्योरिटी का नेम, उसकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, बैंक का नेम, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ब्रांच, नेम ऑफ द ब्रांच, एड्रेस ऑफ द ब्रांच, ईमेल आईडी आ जाएगी ब्रांच की, और कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द ब्रांच। एक्चुअली ये ईमेल आईडी यहाँ पर इसलिए मांगी है क्योंकि कई बार कस्टम डिपार्टमेंट रिवर्ट मेल भी करता है कि आपने लेटर इशू किया है कि नहीं किया है, नहीं होता एडी कोड जिस पर्सन ने एडी कोड इशू किया, मतलब जिस बैंक के ऑफिसर ने इशू किया उसका नाम। अब ये बैंक के लेटर हेड पर जाएगा और बैंक अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी पे मेल करेगी, EDI@jawharcustom.gov.in, ठीक है।
ये आपको ऐसा हेडक्वार्टर लेटर इशू करवाना है बैंक से। इसके बाद हमें सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, आईसी, जीएसटी, पेन, आधार, कैंसिल चेक। अब यदि आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो आपको क्या करना है, बैंक का एडिक्वेट लेटर लेना है, बैंक के लेटर हेड पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लेके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आईसी लगेगा, जीएसटी लगेगा, कंपनी का पेन कार्ड लगेगा जो डायरेक्टर को ऑथराइज किया है, जिसकी डीएससी बनी है, उसका पेन, आधार, सेकेंड डायरेक्टर का पेन, आधार, कैंसिल चेक। इसके अलावा जैसे कि अब ये है नवा सेवा का फॉर्मेट, इसके अलावा जैसे कि आपको मुंबई एयर करना है तो मुंबई एयर का फॉर्मेट अलग है। मुंबई एयर का फॉर्मेट है ये, मुंबई एयर का फॉर्मेट, मुंबई डिपार्टमेंट ने, मुंबई एयर सहार ने भी एक अपना पब्लिक नोटिस इश्यू किया था 31/2021 को, ठीक है। उनने ये बोला था कि यदि आप जब जो लेटर बैंक से लेके, आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है, edi@gmail.com पे मेल करवाना है बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से। जो मुंबई सहार है उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, सेम है, लेकिन उनने कुछ चीजें मॉडिफाई करी है। फर्स्ट तो यहाँ पर इन्हें रेफरेंस टू पब्लिक नोटिस डाल दिया है, ये आपको सेम कॉपी करना है। इसके बाद आपको ये भी रखना है, ये आपको हटाना नहीं है, यदि आपका बैंक अकाउंट मर्ज नहीं हुआ है या अमालगमेट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक करके डैश करके छोड़ देना, यदि मर्ज हुआ तो आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये सेम बैंक के लेटर हेड पर जाएगा और आपको इसको मेल करवाना है, यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आप इंडिया के किसी भी पोर्ट के लिए यदि आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये सेम प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये जो पोर्ट का नेम है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, आप यहाँ पर नाम एडिट करके सेम फॉर्मेट बैंक से यूज कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे नंबर 7000110950 पे कॉल कर सकते हैं। हम डीएससी बनाते हैं, हम और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।